हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का वीडियो दोस्तों एक ड्रॉप के बारे में, जो कि आपके शरीर में होने वाले दर्द में काफ़ी यूज़फुल रहेगी। आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द है, चाहे आपके सर्वाइकल का पेन है, या आपके कंधों में दर्द है, या आपके जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में चाहे आपके नी जॉइंट्स में दर्द है, या फिर आपको एल्बो जॉइंट्स में दर्द है, मतलब आपके शरीर में किसी भी जॉइंट में आपको पेन है, तो वहाँ पर आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है जिसका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और रिज़ल्ट अच्छे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे होम्योपैथिक की मैं एक मेडिसिन बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक ये ड्रॉप है रूमा सास के नाम से, और ये होम्योपैथिक की मेडिसिन कंपनी इसको बना रही है। जान लेते हैं आप इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी इसके अंदर मेडिसिन है, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इसके क्या प्राइस हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें यूज़ हो रही है मेडिसिन, हम देखते हैं। सबसे पहले मैं इसके इंडिकेशंस पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी में। एक्यूट एंड क्रॉनिक मस्कुलर एंड आर्टिकुलर अफेक्शंस लाइक जॉइंट्स पेन, जहाँ पे पेशेंट को मसल्स में पेन है, चाहे वो अभी हाल फिलहाल का पेन है या फिर क्रॉनिक है, और उसको जोड़ों में दर्द लगातार में बना हुआ, मांसपेशियों में दर्द बना हुआ है, सियाटिका वाली कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। टेंडन की अगर इंजरी हुई है, कई बार होता ना कि जोड़ों में चोट लग गई है, एक्सरे करवाया तो डॉक्टर साहब ने बताया जी आपके टेंडन में गड़बड़ हो गई है, जो लिगामेंट्स होते हैं, जो टेंडन्स होते हैं, उनमें चोट लगने से इंजरी हुई है, तो वहाँ पे भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर मोच है, झटका है, या फिर आपको स्टिफनेस है गर्दन में, आपको जो है स्टिफनेस समझते होंगे आप, जैसे हम इसको नीचे करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, अकड़न महसूस होती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कमर में दर्द है, आपको बैकेक रह रही है, आपको मांसपेशियों में दर्द है, तो वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन दोस्तों इसके अंदर दी हुई है, सारी ही मेडिसिन इन्होंने लोअर फॉर्म में दी हुई है, मतलब 1x में और मदर टिंचर में। तो इन्होंने सबसे अच्छी जो मेडिसिन है वो गठिया की मेडिसिन इसके अंदर, जो कि है कॉल्चिकम मदर टिंचर। कॉल्चिकम मदर टिंचर इसके अंदर है, रसटॉक्स मदर टिंचर इसके अंदर है, सिमिसिफूगा मदर टिंचर है, तो टॉप 3 मदर टिंचर हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। जितने भी आपके पेन है बॉडी के, इन तीनों से कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों इसके अंदर कोफियोक्रूडा 1x में दी है, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है। और इसके अंदर दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन नेट्रम सिलिकेटम। नेक्स्ट इसमें एसिड बेंजोइक, अगर आपको गठे की शिकायत है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और ये ड्रॉप आपको यूज़ करनी चाहिए अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कॉल्चिकम भी इन्होंने ऑलरेडी दे दी है और इसके साथ इन्होंने एसिड बेंजोइक भी दे दी है, 1x में आपको मिलेगी। काली आयोड इसके अंदर है, जहाँ पर जॉइंट्स हमारे स्वेल हो जाते हैं, सूजन उनमें आ जाती है, गर्मी निकलती है, पेनफुल होते हैं, तो वहाँ पर काली आयोड बहुत अच्छा काम करती है। कालीड इन्होंने 2x फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। तो बस इन्होंने इतनी मेडिसिन दी हुई है। आप देखेंगे कॉल्चिकम, रसटॉक, सिमेसिफुगा, कोफेक्रूडा, नेट्रम सिलिकेटम, एसिड वेंजोइक एंड काली आयोड, इन्होंने इतनी ही मेडिसिन दी हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो जनरली आप लाएंगे 30 ml की आपको ड्रॉप मिलेगी, 30 ml की शीशी मिलेगी, जो कि मात्र 140 रुपये की आपको मिलेगी। 20 से 25 दिन ये आपकी मेडिसिन चलेगी। इसको लेने का तरीका, आपने 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में, खाने से पहले, खाने के बाद आप कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और लगातार में आप इसको यूज़ कीजिए, कंटिन्यूसली यूज़ कीजिए, कोई भी इसका ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है, कई बार होता है कि हमारे डॉक्टर साहब की मेडिसिन चल रही है, उन्होंने कैल्शियम चलाए हुए हैं, विटामिन डी चलाया हुआ है, कोई इशू नहीं है, आप उसके साथ लेना शुरू कर दीजिए। दोनों मेडिसिन में आप लगभग आधे घंटे या 1 घंटे का गैप जरूर रखें। नेक्स्ट सवाल आता है माइंड में कि हम इसको कितने दिन यूज़ करेंगे। तो सपोज़ कीजिए आपने एक ड्रॉप यूज़ कर ली है और आपको लगभग 20% 30% फ़ायदा होना शुरू हुआ है, तो आप कंटिन्यूसली इसकी आप 3 4 5 शीशी आप पी सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो किसी भी और मेडिसिन के साथ ले सकते हैं, इसका कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पूर्णतः होम्योपैथी के, कोई भी इसके अंदर ऐसा पेन किलर, साल्ट या फिर कोई स्टेरॉयड इसके अंदर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, रोमेटिक फीवर की वजह से दर्द है, या फिर गठे की वजह से दर्द है, यूरिक एसिड हाई है, कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, मांसपेशियों में दर्द है, आप सभी कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर काफ़ी अच्छे सुधार होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो, और इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आपको मिलेगा या फिर होम्योपैथिक स्टोर पर मिलेगा, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो दोस्तों बस आज के वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।